अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़वार स्पोर्ट। दोस्तों, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान चार मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज का आगाज़ आज से होने जा रहा है। दोस्तों, पहले T20 मैच का टाइम टेबल तब्दील कर दिया गया। ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कितने बजे खेला जाएगा, जबकि दूसरी जाने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्जील खान के हवाले से बड़ा फैसला कर लिया। क्या पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज शर्जील खान आज पहले T20 मैच का हिस्सा होंगे या नहीं, आपको मुकम्मल अपडेट से आगाह करेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने ज़वार स्पोर्ट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन पर प्रेस करकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको क्रिकेट के रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिल सके। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान चार मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज का आगाज़ आज से होने जा रहा है, जबकि पहले T20 मैच का टाइम टेबल तब्दील कर दिया गया। पहला T20 मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे खेला जाना था, लेकिन अब ये इस मैच का टाइम टेबल तब्दील कर दिया गया है। अब ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7 बजे शुरू होगा, जबकि दूसरी जाने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्जील खान के हवाले से बड़ा फैसला कर लिया। दोस्तों, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान की टीम पहले T20 मैच में मुकम्मल प्लानिंग के मुताबिक उतरेगी। दोस्तों, उनका कहना था कि वेस्ट इंडीज़ की टीम एक अच्छी टीम है, उसको कभी भी आसान नहीं लेना चाहिए, इसलिए हम पहले T20 मैच में मुकम्मल प्लानिंग के साथ मैदान में उतरेंगे। उनका इस हवाले से यही कहना था कि मुकम्मल प्लानिंग के साथ पहले T20 मैच में उतरेंगे, जिससे यही जाहिर होता है कि पहले T20 मैच में शर्जील खान हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स जो कि हमने आपसे शेयर की। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको क्रिकेट के रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिल सके। हमें अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।